हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस स्टैंडर्ड 7th योर चैप्टर 4 हीट इट्स इफेक्ट्स। टुडे आई डिस्कस रिलेटेड टू हीट एंड इफेक्ट्स, हीट और उसके इफेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन यू स्टैंडिंग इन द सनलाइट और सिट नियर फायर यू फील हॉट। When you touch a piece of ice, you feel cold. When you dip your finger in warm water, you feel warm. Heat is a form of energy which causes the sensation of hotness or coldness. बच्चों, हम लोग ये देखते हैं कि कभी भी कहीं भी आइस को टच करते हैं, आइस के पीस को, तो वहाँ हमें फील क्या होता है, कूल फील होता है। किसी भी हॉटर बॉडी को टच करते हैं तो वहाँ क्या फील होता है, हॉटनेस फील होता है। उसी तरह यहाँ पे हीट से रिलेटेड ये है कि हीट क्या है, आपका एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी का फॉर्म कहने का मतलब क्या है, ये वन पार्ट्स टू अदर पार्ट्स में ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो हॉटनेस में हो चाहे वो कोल्डनेस में हो। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। व्हेन यू नो रब योर हैंड्स टूगेदर Your hands become warm. How does it happen? It happens because the mechanical energy get converted into heat energy. Any type of energy to convert heat is energy to transfer one object to another object. To convert heat energy changes mechanical energy changes heat energy. To discuss different topics related to heat. Heat is measured in joule and calories. Heat को हम लोग किसमें measure करते हैं, joule और calories में। SI unit is heat, joule. Heat का SI unit क्या है, joule है। 1 kilo joule equal 1000 joule. 1 kilo joule equal कितना होता है, 1000 joule. ये हम देखते हैं बच्चों, 1 kilo जूल इक्वल क्या है, 1000 जूल। हेलो, उसके बाद 1 कैलोरी इक्वल क्या है, 4.1 जूल या 4.2 जूल, इसको होल नंबर में राइट करते हैं, वो 4.2 जूल। डिफरेंट टॉपिक्स टू डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ हीट। व्हेन यू हीट एन ऑब्जेक्ट many changes take place. Do you understand? Next, heat causes expansions. The number of changes take place during heating. Heating के during हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी object में different उसके size में changing आता है, उसके temperature के changing होने की वजह से, heating changing होने की वजह से उसके expansions करता है कोई भी metallic ऑब्जेक्ट, मेटालिक बॉडी, तो ये सारे उसके केमिकल चेंजिंग भी होते हैं। हीट कॉजेज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट। ये क्या है, हीट के कारण ही इस इफेक्टनेस होता है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, अगर आइस को हम जो है हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, फिर लिक्विड को हीट करते हैं कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट है। नेक्स्ट है एक्सपेंशंस इन लिक्विड, जैसे हम लोग कोई भी लिक्विड को हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, आइस को हीटिंग किए थे तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। ये डिफरेंट जो है इफेक्ट्स हो रहे हैं किसके वजह से, हीटिंग की वजह से। उसके बाद एक्सपेंशंस इन गैसेस, गैस को जब हीट करते हैं देखते हैं उसके जो पार्टिकल्स है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, वो काफ़ी स्पीडली जो है हेयर एंड देयर मूव करते रहता है। एक्सपेंशंस अराउंड अस, हम डिफरेंट मेटालिक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आयरन को अगर सनलाइट में रखते हैं तो समर सीजन में ये क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है। कभी रेल के पटरी को देखते हैं कि उसके बीच में जब हम लोग गैप छोड़ते हैं, ये भी एक्सपेंशन की वजह से, यानी कि जितने टाइप ऑफ जनरली जो है मेटालिक ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सपेंशन होता है, तो ये किसके इफेक्ट के कारण, हीटिंग इफेक्ट के कारण।
उसके बाद टेम्परेचर से हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर क्या है आपका, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है कि वो कितना कोल्ड है और कितना हॉट है, इस चीज को मेजर करते हैं। तो इस टेम्परेचर को मेजर करने के भी कई सारे डिवाइसेस हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सेम स्केल इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सभी क्या है यूनिट्स हैं। बट हम लोग जनरली जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं किसमें, केल्विन में, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं के, क्या लिखते हैं केल्विन को इंडिकेट करते हैं, जैसे 25 केल्विन, 273 केल्विन, ये जो है आपका इंडिकेशन है। तो ये मेजरमेंट है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, केल्विन। बट हम लोग जनरली जो है डिग्री सेल्सियस में भी यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी यूज करते हैं। आप देखे होंगे थर्मामीटर, थर्मामीटर के भी ऊपर जो है इंडिकेशंस होता है डिग्री सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आइस जो है कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो जो है वेपर में कन्वर्ट होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये जो है इसका स्टेट चेंजिंग होने लगता है। तो ये सब किसके वजह से होता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। अब इस चीज़ को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग जो जनरली यूज करते हैं थर्मामीटर स्केल्स का, किसका, थर्मामीटर स्केल्स का। तो थर्मामीटर ये टू वर्ड से बना है, थर्मो और मीटर। थर्मो मतलब होता है हीट और यहाँ पे मीटर मतलब मेजरमेंट करने का यूनिट। इसका कुछ ना कुछ जो है प्रत्येक थर्मामीटर का अपर पॉइंट होता है और लोअर पॉइंट होता है। इसको जो है ये अभी डिस्कस किए कि डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो है रिलेशन डिस्कस करेंगे सेल्सियस बाय 100 इक्वल एफ माइनस 32 बाय 180। ये एक आपका फार्मूला है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे करेंगे। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी टाइप ऑफ नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप्स है लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जो है टू टाइप्स हम लोग जनरली यूज करते हैं। हाउ टू यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर, वॉश द थर्मामीटर बिफोर यूज प्रेफरेबली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस एंड ड्राई इट यूजिंग अ कॉटन स्वाब। होल्ड द थर्मामीटर फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये यूजेज है क्लिनिकल थर्मामीटर का, कि हम लोग कहीं भी किसी भी बॉडी को थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर को जब मेजर करते हैं तो ये नहीं कि उसको जो है टच किए और हमें उस स्केल पे पता चल गया उसके हीटिंग टेम्परेचर का, तो ऐसा नहीं है। यानी कि कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकेंड के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए वहाँ पे होल्ड करेंगे उस ऑब्जेक्ट से टच करके, तभी उसका जो उसमें जो मरकरी का लेवल है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो ये हमें बताता है कि वो कितना जो है टेम्परेचर उसका मेजरमेंट है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो। तो हम लोग जनरली जो है इसमें मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। इसके और भी कई सारे यूजेज होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट। कभी ये देखते हैं कि हम लोग जो है किचन में कुकिंग ऑफ फूड के टाइम में कोई भी चम्मच है उसको हीट करते रहते हैं तो वो काफ़ी डिस्टेंस रहता है उसका स्केल, लेकिन फिर भी वन प्लेस पे हीटिंग करने के बावजूद वहाँ से हीट ट्रांसफर होकर के हमारे हैंड तक पहुँच जाता है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस चीज़ को कैसे ट्रांसफ़र होता है, इस चीज़ को हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन फील करते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ हमारे नेचर्स में होते हैं
कि इस चीज को हम लोग हॉट, ये क्या है, टेम्परेचर, यानी कि फील करने की चीज है कि कितने हॉटनेस है और कोल्डनेस है। बहुत ऐसी चीज को हम लोग मेजर नहीं करते हैं, लेकिन उस चीज को फील करके ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो कितना हॉटनेस है और कितना कोल्डनेस है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी और पार्ट ऑफ द सेम बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। इमेजिन योर टीचर हैज टू डिस्ट्रीब्यूट नोटबुक टू डू द स्टूडेंट्स इन क्लास, ही कैन डू इट द थ्री वेज। हम लोग एक विंटर सीजन में कोई भी बुक को, किसी भी थिंग्स को टच करते हैं तो वो हमें जो है कूल फील होता है, बट समर सीजन में जो है कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो थोड़ा जो है हॉटनेस फील होता है। तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को हम लोग फील करके यहाँ पे टेम्परेचर को, उसकी हीटिंग हीट को फील करते हैं टच करके। उसके बाद इसके सारे भी जो है प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ हीट का, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, हम लोग डिफरेंट जो है टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू बच्चों वेरी मच।